अरविंद केजरीवाल को 27 जनवरी तक नए नोटिस का जवाब देना है। केजरीवाल के मुताबिक जो जनता के बीच वो कहते हैं वही जवाब चुनाव आयोग को भी देंगे। केजरीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है अरविंद केजरीवाल। इस वक्त वो अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन सवाल जो इन दिनों चर्चा में है, आंदोलन हुआ इतना बड़ा, उससे एक पार्टी उभरी, लेकिन कुमार विश्वास ने कल जो कहा वो लगातार जो है सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नरम होने के लिए बात जो सामने आ रही है, कितना सच है कितना झूठ है आपको क्या लगता है? देखिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है किरण जी के साथ हमने आंदोलन किया। किरण जी को मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बहुत इज्जत। इसको बंद कर दो यार, गाने बंद करा दो। उनको मैं बड़ी बहन मानता हूँ, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन किरण जी ने जो जो मुद्दे उठाए उन दिनों में वो बहुत महत्वपूर्ण थे। किरण जी ने कहा था कि जो भी पार्टी अपने चंदे का हिसाब किताब ना दे उसको कभी वोट मत देना। लेकिन अब बीजेपी ने तो चंदे का हिसाब नहीं दिया, फिर उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को टिकट दे, बलात्कार करने वालों को टिकट दे, उनको कभी वोट मत देना। बीजेपी ने तो कई ऐसे एमपी हैं, उन्होंने कईयों को ऐसों को टिकट दिए हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि निहाल चंद जी हैं जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं। फिर क्या बदल गया? सवाल यही है कि आपने भी कहा था किरण जी को कि आप पार्टी में आइए सीएम पद के लिए, जो बातचीत चली थी, सवाल यही है आपने कहा था, लेकिन उस वक्त आपने ये सवाल क्यों नहीं खड़े किए कि आप इस तरफ सख्त होने के लिए ना कहें, इस तरफ नरम रहने के लिए ना कहें और कांग्रेस को सीधे निशाना बनाया? मैंने ये कहा पिछले साल तक किरण जी ये मुद्दे उठा रही थी कि भाई ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे, जो बलात्कारियों को टिकट दे, जो फंडिंग ट्रांसफर, वो उठा रही थी तो हमने उनको ऑफर किया। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे सॉफ्ट हो गई हैं, बीजेपी के ये सारे मुद्दे भूल गई हैं और बीजेपी में जाके शामिल हो गई। लगता नहीं उस वक्त ये आवाज़ आपको उठानी चाहिए थी कि इस तरह से हो गया? तो था ही नहीं ना, मैं यही तो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये मुद्दे उन्होंने पिछले साल तक उठाए, हमने उनको टिकट ऑफर किया, अब वो बीजेपी में जब जा रही हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न है जी ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली थी और बीजेपी कौन सी साफ सुथरी पार्टी है, बीजेपी तो खुद ही भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसमें क्यों जा रही हैं, ये प्रश्न मेन है। बिल्कुल। और एक बात तय रही है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं अरविंद कि लोग दूसरी पार्टियों से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को वोट करें? दोषी माना है चुनाव आयोग ने आपको, फिर से नोटिस भेजा है, इस पे क्या कहना है आपका? दोषी नहीं माना, नोटिस भेजा है, एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो कोई भी अगर चुनाव आयोग में शिकायत करता है तो उस पर वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज ये सारी पार्टियाँ पैसे दे के टिकट वोट खरीदती हैं, हमारी पार्टी इसके सख्त खिलाफ़ है। हम कहते हैं भाई ना तो हमारे पास पैसा है देने को और हम सैद्धांतिक रूप के से इसके खिलाफ हैं। गरीब लोग हैं बेचारे, गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठा के ये पार्टियाँ उनकी टिकट उनके वोट खरीदती हैं। हमने लोगों को ये कहा कि पैसे सबसे ले लो और वोट अपनी मर्जी से दो, वोट झाड़ू पे लगा दो। अभी भी आप यही कह रहे हैं? हाँ, अभी भी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं कि पैसे सबसे ले लो और वोट, अगर मैं ये कहता जो पैसा दे वोट उसी को दो तब ये रिश्वतखोरी होती। तो यही जवाब भी होगा आपको चुनाव आयोग? आज यही जवाब दे रहा हूँ, तब ये रिश्वतखोरी होती। आज मैं उल्टा कह रहा हूँ, जो पैसा दे उसको वोट कतई मत दो, वोट झाड़ू पे दो।